दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हो कैट इंडिया और डेली क्रिकेट के आईपीएल स्पेशल एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 23 मई 2023 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाले हैं आज की तारीख में टाटा आईपीएल 2023 के रिगार्डिंग जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है सभी अपडेट्स को हम वन बाई वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग टाटा आईपीएल 2023 से जुड़ा हर अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट हम बात करते हैं आज की तारीख की टाटा आईपीएल 2023 के रिगार्डिंग सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है टाटा आईपीएल 2023 की फाइनल पॉइंट्स टेबल को लेकर, जहां पर आप सभी को बताएं कि टाटा आईपीएल 2023 का लीग स्टेज का अंतिम महामुकाबला हमें कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और आपके यहां पर गुजरात टाइटंस के बीच देखने को मिला। वहां पर भाई विराट कोहली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ शतक जड़ा। आरसीबी की टीम ने 197 बनाए थे 198 रन का, एक बहुत ही बड़ा टारगेट गुजरात टाइटंस के सामने था। शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ शतक जड़ा जिसके चलते बिल्कुल इजीली यहां पर गुजरात टाइटंस की टीम ने इस टारगेट को चेस किया। वही फर्स्ट महामुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम ने 200 प्लस के टारगेट को बिल्कुल इजीली चेस किया, जिससे भाई आईपीएल 2023 की फाइनल पॉइंट्स टेबल यहां पर तैयार हो चुकी है, जिसको आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे। जहां पर भाई आपकी टॉप चार टीमें प्लेऑफ्स की चार टीमें तय हो चुकी जो आपके यहां पर है, गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और आपकी मुंबई इंडियंस ने यहां पर क्वालिफाई कर लिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम यहां पर पूरी तरह से रूल्ड आउट हो गई और आईपीएल 2023 की फाइनल पॉइंट्स टेबल हमें कुछ इस तरह की देखने को मिली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है टाटा आईपीएल 2023 के प्लेऑफ्स के शेड्यूल को लेकर, जहां पर भाई आप सभी को पता है कि प्लेऑफ्स की टीमें यहां पर डिसाइड हो चुकी है, चार टीमों ने क्वालिफाई कर लिया है। टेबल टॉप पर आपकी गुजरात टाइटंस थी, सेकंड नंबर पर आपकी चेन्नई सुपर किंग्स थी, थर्ड नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स थी, फोर्थ नंबर पर आपकी मुंबई इंडियंस ने क्वालिफाई किया। चलिए शेड्यूल पर नजर डालते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट क्वालिफायर महामुकाबला हमें 23 मई को भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स टीम के बीच चेन्नई टीम के होम ग्राउंड में एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में देखने को मिलेगा। वही इसके बाद हमें आपका यहां पर एलिमिनेटर महामुकाबला भी चेन्नई के मैदान में ही लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच हमें 24 मई को देखने को मिलेगा। उसके बाद 26 मई को एलिमिनेटर महामुकाबला हमें अहमदाबाद में देखने को मिलेगा और एट द एंड 28 मई 2023 को हमें टाटा आईपीएल 2023 का ग्रैंड फिनाले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। और कुछ इस तरह का शेड्यूल हमें यहां पर टाटा आईपीएल 2023 के प्लेऑफ्स का देखने को मिला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को लेकर। जी हां, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, प्लेऑफ्स में जाने के बाद सीएसके की टीम को एक बहुत ही तगड़ा झटका लगा है, जहां पर इस टीम के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी, जी हाँ, 16.25 करोड़ रुपए के खिलाड़ी बेन स्टोक्स की मैं बात कर रहा हूं। हालांकि भाई इस सीजन में उनका होना ना होना बिल्कुल एक सी ही बात थी, यहां पर काफी महंगे वो खिलाड़ी थे, 16 करोड़ के खिलाड़ी थे, केवल 12 रन इस सीजन में बनाए, कोई विकेट वो सीएसके के लिए निकाल नहीं पाए और भैया प्लेऑफ से पूरी तरह से रूल्ड आउट हो चुके हैं। खुद ने बोल दिया था कि भाई हम प्लेऑफ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, प्लेऑफ को छोड़कर वो वापस अपने स्वदेश यहां पर लौट चुके हैं। और भाई कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने अब की बार उनके ऊपर एक बहुत ही अच्छा खासा मोटा पैसा यहां पर काफी बर्बाद किया है। उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर यदि किसी भारतीय खिलाड़ी की तरफ या फिर किसी अच्छे ओवरसीज खिलाड़ी की तरफ यह टीम जाती तो भाई कहीं ना कहीं सीएसके के लिए थोड़ा सा और ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला था। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल को लेकर। जहां सभी को फिक्चर्स का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि वर्ल्ड कप का शेड्यूल हमें 4-5 महीने 6-7 महीने पहले ही देखने को मिल जाता है, लेकिन अभी तक हमें वर्ल्ड कप के शेड्यूल के रिगार्डिंग किसी भी टाइप का कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला था। अभी से 4-5 दिन पहले हमें बीसीसीआई की तरफ से एक अपडेट देखने को मिला, जहां पर बीसीसीआई ने ऐसा कंफर्म किया था कि 27 मई को बीसीसीआई और आपकी यहां पर बीसीसीआई और आपकी आईसीसी की एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग के बाद यहां पर वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स की जाएगी, वेन्यूज यहां पर ऑफिशियली अनाउंस किए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है, जो शेड्यूल के रिगार्डिंग अपडेट, उसके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि
सेकेंड वीक ऑफ जून 2023 में आपके आईसीसी डब्ल्यूटीसी फाइनल महामुकाबले के बाद आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का पूरा शेड्यूल रिवील कर दिया जाएगा। और जैसे यहां पर शेड्यूल की अनाउंसमेंट हो जाती है तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम के ओपनर बल्लेबाज विराट कोहली को लेकर। जी हाँ, विराट कोहली ने आईपीएल में अब लगातार बैक टू बैक दो सेंचुरी जड़ी। हालांकि पहले तो उनको जीत मिली, लेकिन दोस्तों कल उनके महामुकाबले में सेंचुरी उनकी बेकार गई। दूसरी तरफ से शुभमन गिल ने यहां पर ताबड़तोड़ शतक जड़ा, लेकिन दोस्तों यहां पर विराट कोहली ने बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सबसे ज्यादा आईपीएल में शतक लगाने का रिकॉर्ड अब उनके नाम हो गया है, 7 सेंचुरी उन्होंने लगा दी है। वही लगातार बैक टू बैक दो महामुकाबलों में शतक जड़ने का रिकॉर्ड भी उनके नाम हो गया है। थर्ड खिलाड़ी वो बन गए हैं जिन्होंने यह बड़ा कारनामा करके दिखाया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है केएल राहुल की इंजरी रिपोर्ट को लेकर। जी हां, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। आप सभी को बताया केएल राहुल फिलहाल इंजर्ड है, जिसके चलते टाटा आईपीएल 2023 से वो बीच में ही रूल्ड आउट हो गए थे। अभी उनकी इंजरी के ऊपर थोड़ा सा अपडेट निकल कर आ रहा है, जहां पर धीरे धीरे वो रिकवर कर रहे हैं। रिकवरी में उनको 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा। आपके डब्ल्यूटीसी फाइनल से वो ऑलरेडी रूल्ड आउट हो चुके हैं, और भाई रिकवरी मतलब धीरे धीरे वो रिकवर कर रहे हैं। फिलहाल अपने घर वो वापस लौट चुके हैं, अपने घर पर ही वो अपनी इंजरी से रिकवर कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है एशियन क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी एशिया कप 2023 को लेकर। जी हाँ, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, वेन्यू का सभी को बेसब्री से इंतजार। अभी तक वेन्यू की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ पर फिलहाल एक बहुत ही बड़ी मुसीबत सभी के सामने खड़ी कर रखी है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा चाहता है कि पाकिस्तान में एशिया कप हो। एशिया कप होस्ट करने के उनके हालात यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वहां से हमें अजीब अजीब तरह की खबरें देखने को मिल रही हैं। और भाई किसी अदर वेन्यू पर फिलहाल पीसीबी उसको शिफ्ट करने के लिए तैयार नहीं, जिसके चलते थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सीज यहाँ पर जरूर जा रही है। लेकिन जैसे ही किसी भी टाइप का कोई भी फर्दर अपडेट हमें देखने को मिलता है, तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। इन सभी खबरों का आपके ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल किस वीडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब टू क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।